नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम सच की खोज में पहुंचे हैं, उस सच की खोज में जो शायद आप तक नहीं पहुंची, जो शायद मीडिया ने नहीं दिखाई। मैम, आपका नाम क्या है? माय नेम इज प्रीति शर्मा एंड आई एम टीचर बाय प्रोफेशन एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम टी। ओके, आप टीचर हो, कहाँ से हो? एट प्रेजेंट आई एम फ्रॉम रायबरेली। दिल्ली से हो आप, वेल एजुकेटेड हो। आपने देखा हो कि पिछले समय बाबा राम रहीम जी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में काफ़ी कुछ दिखाया, आपका क्या विचार है उसके बारे में? एब्सोल्युटली रॉन्ग, कुछ भी मीडिया ने दिखाया है बिल्कुल ही गलत दिखाया है, कोई फैक्ट है ही नहीं उसमें। और जो भी वहाँ के बारे में दिखा रहा है, वहाँ तो जो भी जाता है एक बार बस चला जाए, उसके अंदर इतनी दृढ़ शक्ति भर जाती है ना बुराई से लड़ने के लिए, कि वो नशे क्या, भ्रूण हत्या क्या, और साफ सफाई, ब्लड डोनेशन, किसी गरीब की मदद करना, ये सब उसके अंदर अंदरूनी ही अपने आप ही विचार उसके चेंज हो जाते हैं। इसीलिए तो इंसान लगाते हैं हम लोग अपने नाम के पीछे, क्योंकि इंसानियत के गुण सारे अपने आप ही इतनी शक्ति महसूस होती है कि पॉजिटिव एनर्जी तो चारों तरफ से हमें इतना अंदर से पॉजिटिव कर देती है कि कुछ लगता ही नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत होगा। तो रात को भी अगर मैं चली जाऊँ तो मुझे ये नहीं लगता कि मुझे कोई हार्ट कर सकता है, इसी और ऐसा लगता है बस मेरे साथ हैं, और ऑब्वियसली वो है ही साथ। और लड़कियों के लिए तो इतने ज़्यादा केयरिंग है, और वहाँ पर जैसा बताया गया है मीडिया में भी लड़कियाँ असुरक्षित है, बिल्कुल ही गलत है। मैं तो वहाँ पे अकेले अपनी छोटी बहन को लेके बाई ट्रेन में जाती थी, रात को ही जाती थी। मेरे घर वाले क्यों भेजते थे? क्योंकि उन्हें बिलीव है, और मेरे बिलीव पे उनको बिलीव है, और उनके बिलीव पे करोड़ों लोग भी हैं और भी हैं। तो मैं अकेले जाती थी, अकेले एक एक महीना रह के आई हूँ, सेवा करके आई हूँ। और वहाँ पे सड़कों पे भी हम अकेले आते थे, वहाँ सेवा खत्म होती थी 12 बजे, बिल्कुल एकदम ऐसे घर की तरह। घर में भी लड़कियाँ असुरक्षित हैं आप जानते हो समाज में, बट हम वहाँ पे घर तो क्या, बस ऐसा लगता था कि हमारा तो पास ही है, बस पिताजी हैं, हमारे पापा आए हैं, तो डर क्या है, कहीं भी चले जाओ। तो मैं तो कहती हूँ मीडिया बिल्कुल गलत है, बिकाऊ है, और सब जानते भी हैं, पता नहीं क्यों नहीं इस चीज़ को मानते वो लोग। मेरे लिए सारे फेस्टिवल, सारी खुशियाँ, सब कुछ मेरे सतगुरु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो ना होते तो शायद आज मैं इतनी अच्छी तरह से मतलब नहीं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ। प्रवासी इन लोगों को, करोड़ों लोगों को आज भी बाबा राम रहीम जी पर वैसे ही विश्वास है जैसे पहले था। आप लोग सोचिए कि इस तरह से मीडिया ने क्यों दिखाया, क्यों इस तरह से लोगों में डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम जी के बारे में दिखाया। सोचिए और इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए।